ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद एक बात तो साफ हुई है कि बीजेपी की स्थिति कई जगह बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी की सरकार में कई जगह प्रशासन कमाल का काम कर रहा है तो कई जगह नाकाम हो रहा है। कुछ यही हाल है मथुरा का, जहां अपनी नाकामी छिपाने के लिए तहसीलदार ने फरियादियों को सांसद तक पहुंचने ही नहीं दिया। जी हां, तीर्थ नगरी मथुरा में 15 से 22 जुलाई तक मुड़िया मेले का आयोजन होना है। शनिवार को राजकीय मुड़िया मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने गोवर्धन पहुंची सांसद हेमा मालिनी को फरियादियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। क्या हुआ जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। गोवर्धन से राजकीय मुड़िया मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने गोवर्धन पहुंची सांसद हेमा मालिनी को फरियादियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पहले तो प्रशासन ने नाकामी छुपाने के लिए फरियादियों को सांसद हेमा मालिनी से मिलने ही नहीं दिया। जब वह बैठक से बाहर निकली तो फरियादी हेमा मालिनी के पैरों में गिर पड़ी और अपनी फरियाद सुनाने लगी। ये सब देख प्रशासन की कारगुजारी की पोल खुल गई। एसडीएम का महिलाओं ने घेराव कर लिया और एसडीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल पैठा के वृद्ध फरियादी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। वह सांसद से मिलने तहसील पहुंचा, उसे वहां तहसीलदार ने मिलने नहीं दिया, फटकार लगाकर भगा दिया। पीड़ित ने लेखपाल राम कुमार पर 6,000 रुपए लेकर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। राधा कुंड की महिलाएं कॉलोनी में विद्युत लाइन डलवाने की मांग लेकर पहुंची, उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो महिलाएं सांसद हेमा मालिनी के निकलते समय पैरों में लेट गई। इस पूरे प्रकरण के बाद मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और डीएम मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। है क्या नहीं है इस वक्त और क्या और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग आने वाले हैं। इसके लिए ये बैठक हुई, हम लोग इसमें भाग लिया और हमने अपना अपना सुझाव सब दिया है। हम तीसरी बार सांसद बनी है, जनता की अपेक्षा है। गोवर्धन में लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, एसडीएम पर आरोप है, जनता परेशान है। बात कर रहे हैं उन लोगों से, क्या समस्या अभी समस्या महिलाएं आई है, परेशान है, बिजली नहीं मिली उनको, प्रधान ने घर तोड़ दिया कह रहे हैं, उसके विषय में बातें हो रही है। लगातार लेखपाल पैसा लेके तो जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं, देखेंगे ना क्या हुआ करके, हमें मालूम नहीं इस वक्त, हम पता करेंगे। क्या कुछ खास रहा है? देखिए आज यहाँ जो मुड़िया पूर्णिमा का मेला आगामी 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक होने वाला है, उसको लेकर माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पर आज बैठक आहूत की गई थी। तैयारियों को लेकर की बैठक आहूत की गई थी, उसमें माननीय सांसद जी और माननीय क्षेत्र विधायक जी भी यहाँ उपस्थित थे और उसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी हमारे अधिकारी उपस्थित थे। उसमें सिलसिले बाद पूरी तैयारियों पर चर्चा परिचर्चा हुई। मीन्स अगर हम शुरुआत करें तो लोग वाहनों से आएंगे, बसों से आएंगे तो कितनी बसें लगाई जाए, क्या रूट होगा बसों का, उनकी कहाँ से पार्किंग कराई जाए, जो लोग अपने निजी वाहनों से आएंगे वो कहाँ पार्किंग करेंगे, और पार्किंग करने के बाद जब परिक्रमा मार्ग पर तक आएंगे तो परिक्रमा मार्ग पर सारी व्यवस्थाएं उदाहरण के रूप में वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में कहीं गड्ढे आदि न हो, जो कच्ची और पक्की परिक्रमा मार्ग कम्प्लीट रहे, सीसीटीवी कैमरे लगे रहे, पूरा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पूरी चीजें कंट्रोल रहे, खोया पाया केंद्र रहे, हमारा कंट्रोल रूम रहे, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था रहे, जो लोग आए उनको पोर्टेबल वाटर मिल सके, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इन सब व्यवस्थाओं को लेकर विभागवार समीक्षा की गई और समीक्षा में माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने कुछ अपने सुझाव भी दिए, तो सुझावों पर हम लोग अमल में लाएंगे। हम लोगों का प्रयास यही है कि पूरे एरिया को डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट जोन में बांट करके न केवल कानून व्यवस्था संबंधी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं संबंधी जो सुविधाएं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो व्यवस्था हम उन लोगों को उपलब्ध कराए, इसके लिए हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है और हमने माननीय मंत्री जी को और माननीय सांसद जी और विधायक जी को आश्वस्त किया है अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, जो भी संभव कोशिश होगा हम लोग करेंगे, जिससे आम जनमानस जो भी श्रद्धालु जन आए उनको किसी तरह की यहाँ पर असुविधा। सर, तहसील प्रशासन की कार्रवाई को कार्डशैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, एसडीएम साहब पर आरोप लग रहे हैं, तहसीलदारों पर आरोप लग रहे हैं, लेखपाल पैसे लेकर जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। अगर एक भी ऐसा उदाहरण आपके पास हो
आप उसकी हमको शिकायत करें, उसकी जांच कराई जाएगी। ये जनरल बात कहने से कि हम कहेंगे साहब फला तबके के लोग बड़े खराब हैं, तो उस तबके को खराब मान लिया जाएगा, ऐसा कोई आधार नहीं। जनता कह रही है अभी मीटिंग के बाद आप देख रहे हैं। जनता किसको कहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पांच लोगों को अगर आप जनता मान लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट किया गया था, और अगर अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट को हटाना अपराध है तो अपराध लोग बार बार करेंगे, क्योंकि अगर अवैध ढंग से सरकारी जमीनों पर कब्जे लोग करके उसको लीगल करना चाहेंगे तो वो कदापि नहीं होने दिया जाएगा किसी सर। सर बिजली की समस्या को लेकर महिलाएं आई थी, बिजली नहीं मिल रही है उन्हें। देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय विद्युत की डिमांड अपने पीक पर चल रही है। हमने विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर सहित सभी अधिकारियों के साथ दो राउंड बैठक की है, लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों को विद्युत कटौती से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण ओवरलोडिंग के चलते कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं जिसके कारण विद्युत कटौती हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि ये जो असुविधा लोगों को हो रही है इसको मिनिमाइज किया जाए। लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बल्ब आदि का उपयोग न करें, आवश्यकता के अनुरूप ही करें, जिससे आपूर्ति तो हम बढ़ा ही रहे, कहीं ना कहीं खपत के पोषण पर भी हम ध्यान दें कि कई बार हम अनावश्यक रूप से उसका इस्तेमाल करते हैं, उचित नहीं। एक फरियादी आया था तहसीलदार साहब ने उसको धक्का लगा घुमा दिया। सर अब देखिए आप कुछ जनरल सी बातें कह रहे हैं, देखिए हम सब इंसान है, फटकार लगाना कोई मतलब ही नहीं होता है। हम हर फरियादी को सुनने के तैयार हैं, लेकिन सुनाने का भी एक तरीका होता है। सही ढंग से बात रखी जाएगा, 100 लोग भीड़ में 100 लोग एक साथ बोलेंगे तो समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है। उसका तरीका होता है एक एक करके अपनी बात रखे। तहसीलदार ही नहीं, हम सब लोग उपस्थित, अगर किसी कोई समस्या है तो बताएं, हम सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखते हैं कलेक्ट्रेट में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक मुख्यतः यही काम होता है, चाहे मेरे ऑफिस में देखे, चाहे एसएसपी साहब के ऑफिस में देखे, चाहे एसडीएम के ऑफिस में देखे, कि लोग जन सुनवाई करते हैं। निश्चित रूप से हर समस्या का निदान नहीं हो सकता है। जो लोग कब्जे किए हैं वो चाहेंगे कब्जा न छोड़ा जाए, जो गांव के अन्य लोग हैं वो चाहेंगे कब्जा छुड़वाया जाए, तो ऐसा कोई निदान नहीं जिससे हमारे को संतुष्ट कर सके, लेकिन विधिक कार्रवाई हम करेंगे। हमारे पास वही इस पूरे प्रकरण के बाद फरियादी का क्या कहना है वो भी सुनिए। मेरे पास 1 बीघा जमीन है, मेरे खेत है, बच्चा कुबुई खेत है, 4 बच्चा है और पटवारी कहने को दूसरे का थे। मैंने मोलियो मुंह में पहना हुआ है, मेरे पास में कागज है, सही कछु है। मैंने कहा पटवारी जी ऐसा ही नाप दो नक्शा में, जैसे पटवारी जी बोले नहीं है कि ना पहगा तेरे क्या तुप करो जा तो कर लेना। मैं पैठा के रहने वाला हूँ भाई साहब, कल भी आया तहसील, आज भी आया हूँ साहब, में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना दिवस में वो आया, मैं कोई सुन नहीं रहा था, मेरी गरीब आदमी हूँ साहब। सांसद मिले उनसे? ना कोई ना मिलंदर हो साहब, ना मिलंदर है ना साहब। किसने भगाया था आपको यहाँ से? अधिकारी जी आए एक अंदर से, उनने भगा दिया। मैं बबावत वैसे ढोंग बना रहा है, मुझसे बोल नहीं है। मथुरा से सीनियर संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कहा जा रहा है कि गोवर्धन तहसील का हाल बहुत भ्रष्टतापूर्ण है। यहाँ अधिकारी नेताओं की चमचागिरी कर खुले में मलाई खा रहे हैं। अब इस पर कैसे शासन नजर रखता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।